लेमन टीवी का अभियान हुआ कामयाब। रिलायंस बिजली दरों को लेकर छेड़ रखी थी जंग, मनमानी बिजली दरों को लेकर उठाई थी आवाज। सरकार जागी, प्राइवेट कंपनियों की मनमानी पर लगेगी रोक। आवाम को बिजली के बोझ से मिलेगी निजात। बिजली बिल के बोझ से तिलमिला रही आवाम। रिलायंस एनर्जी की मनमानी बिलों से लोग परेशान। हर महीने का बिल देखकर लोगों के उड़ते होश। चारों तरफ हाय तौबा। ऐसे में लेमन टीवी ने शुरू किया अभियान, रिलायंस एनर्जी के बिलों को लेकर उठाई आवाज। लगातार 6 हफ्तों तक चला जोरदार अभियान। आवाम की परेशानियां, उनके दर्द को समझा लेमन टीवी ने। लेमन टीवी ने उठाया कदम, बढ़ते बिजली दरों के खिलाफ मचा हंगामा। चारों तरफ से उठी आवाजें। During the last 11 months, we in the Maharashtra Electricity Regulatory Commission issued tariff orders in respect of 3 distribution companies, 2 of which the government issued directions on the 108 to us. Of course, we took different decisions on the 2 cases. In case of R Infra, the government intervened, saying that there is too much of agitation. The TV which is covering this program today carried out a sustained campaign in favor of the consumers for a period extending over 6 weeks. Of course, they also went hyperbole. The reason was the complaint to the people from the consumers' point of view of these two cultures is that the tariffs in the suburbs of Bombay has gone up 3 times, that is 300%. सोई हुई सरकार को जागना पड़ा। MERC के चेयरमैन ने लेमन टीवी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, बढ़ते बिजली दरों पर गंभीरता से होगा विचार। रंग लाया है लेमन टीवी का अभियान। लोगों की परेशानियां पहुंच चुकी है सरकार के दरबार तक। सरकार के सिर पर रेंगने लगी है जू। इंसाफ की उम्मीद नजर आने लगी है। 300% के दर से बढ़े बिजली दरों से मिलेगी निजात। एक पुरस्कार समारोह में MERC के चेयरमैन ने माना कि बिजली के बोझ से लोग दबे जा रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ लोगों की परेशानियों का। उन्होंने ये भी माना कि सारी बातें उन्हें लेमन टीवी के जरिए मालूम हुई। Can a family whose monthly income is about 10,000 rupees, can they afford an electricity bill of 3 or 4,000 rupees? There is, even though the intention of the Electricity Act 2003 and prior to that, the Electricity Regulatory Commission Act 1998 was to distance government from the process of tariff fixation, somewhere the government comes back. Because it did lead to law and order problems. There was damage to property. देर से ही सही, लेकिन होश तो आया। दिल्ली के लोगों को बिजली दरों का रिफंड मिल चुका है। अब बारी है मुंबई करो की। ये देखा जा सकता है रिलायंस एनर्जी के बिल दूसरी कंपनी की तुलना में कितना ज्यादा है। 0 से 110 यूनिट तक टाटा का दर 1.71 रुपए, जबकि रिलायंस का है 2.96 रुपए। 101 से 300 यूनिट तक टाटा का दर 3.71 रुपए, जबकि रिलायंस का है 5.56 रुपए। 301 से 500 यूनिट तक टाटा का दर है 5.71 रुपए, जबकि रिलायंस का है 9.16 रुपए। 500 से आगे यूनिट तक टाटा का दर है 7.21 रुपए, जबकि रिलायंस का दर है 10.61 रुपए। इस तरह के रेट अंतर को लेकर लेमन टीवी ने छेड़ रखा था अभियान। रिलायंस बिजली दरों की मार झेल रहे लोगों को कुछ उम्मीदों की किरण नजर आने लगी है। न्यूज डेस्क, लेमन टीवी, मुंबई।